काम में जाने के लिए भगवान को निरंतर याद करना चाहिए, मतलब काम धंधा कुछ छोड़ना ही, आपको कुछ भी अलग नहीं करना, केवल स्मरण करना। मैं कल एक तो चर्चा करी गीता जी माया 8वां अध्याय का 7वां श्लोक, तस्मात सर्वे सुखादेशु मां मनुष्य युद्ध अच्छे हे अर्जुन, तू तो केवल मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर, ऐसे अपने संसार में काम करते हुए स्थित संतों ने कहा है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बोलते चलते भगवान का नाम लेना चाहिए। और भगवान का नाम लेने से अलग से भजन करने की एकांत में जरूरत ही सब कुछ वही है। तो कम से कम अपने को भी एक प्रसन्न होना चाहिए। देखो स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, एक पहलवान था, दो आदमी कुश्ती करी, एक राजपूत और एक बढ़िया। तो कुश्ती करी तो महाराज बढ़िया ने राजपूत को पटक दिया, तो राजपूत को पटका तो राजपूत ने पूछा बढ़िया को, बोले तू कौन है? बोले मैं बढ़िया हूँ। अरे महाराज ऐसा सुनते ही राजपूत को जोश आ गया, अरे बढ़िया होकर के मेरे को गिरा दिया। अब जोश उसने पट खड़ा हुआ तुरंत उठा के बढ़िया को पटक दिया। ऐसे अपने संसार में रहते हुए कोई हलचल हो जा रहा है, कोई दुख हो जा रहा है, कोई विचलित हो जा रहा है, ऐसे घबराना नहीं। क्यों? बोले हम भगवान के, हमको अनंत हो गया, अरे हम तो सनात है कैसे? बोले हम भगवान के, भगवान हमारे। मुझे स्वामी जी महाराज कई बार सुनाया करते थे, हम भगवान के भगवान हमारे, ऐसी बात भीतर में दृढ़ता से बैठा लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक अपने संसार में और किसी को मानेंगे तब तक दुख होना ही है। लेकिन सेवा सबकी करनी हो, व्यवहार के नाते व्यवहार तो करनी पड़ता है। अब जैसे आप लोग घर में कोई मेहमान आ गए, उनको चिल्लाना पिलाना प्रेम से बात करना, क्योंकि स्वामी जी महाराज बोलते थे ना कि मिलते ही मनुआ, और कुछ नहीं तो पूछे पछे, बोले मिलते ही मनुआ कुछ नहीं तो पूछे पछे, बोले पहले खाओ पियो नहाओ तो फिर अपने बैठ के बातचीत करें। ये अपने एक हर मनुष्य का स्वभाव है। तो कम से कम भगवान को बोलना नहीं चाहिए, और महाराज जी बोलते थे। अब बाकी साधन करना आवे या नहीं आवे, थोड़ी थोड़ी देर में हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर, क्योंकि ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना ऐसी है, बाकी साधन करो तो कोई मना नहीं है, ये बहुत है। तो अपने को भी एक ऐसा जोश होना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और कुछ स्वामी जी महाराज जैसा जैसे महापुरुष मिले, तो महाराज जी का सत्संग मिला, और उसके बावजूद भी अगर अपने में हलचल हुए या मन दुखी हुए या अशांत हुए तो ये अनुचित है, कोशिश करना चाहिए। अब कोई परिवार में शरीर शांत हो जाए तो अपना कोशिश करो उनके पीछे रामायण, उनके पीछे गीता का पाठ, उनके पीछे भगवान नाम, उनके पीछे रामायण का पाठ, उनके पीछे ब्राह्मण लोग हैं, या ज़्यादा याद आती हो अपने जो छोटे छोटे बच्चे गरीबों के, उनको भोजन करो, उनको मिठाई खिलाओ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं एकदम निर्विकल्प निर्विकार,